हेलो गाइस, आज हम जानेंगे घरेलू आलू का पराठा और मीठी चटनी के बारे में। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक घरेलू किचन में, जहाँ पे हम आलू पराठा का मज़ा लेंगे और उसका टेस्ट करके आपको बताएंगे कि आलू पराठा किस तरह से लगा, और आप भी उसको प्रिपेयर जरूर करें। आलू पराठा बनाने के लिए कुछ उबाला हुआ आलू रखेंगे, और मीठी चटनी बनाने के लिए हमने कुछ 5 से 7 टमाटर लिए हैं। आप देख सकते हैं टमाटर मीडियम साइज का टमाटर है, और उसके साथ हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ले दे रहे थे। करी पत्ता है, करी पत्ता हमारे पास सूखी हुई था, तो आप हरी हरी भी ले सकते हैं। ये हमारे पास स्वाद अनुसार नमक, 2 हरी मिर्च और 4-5 सूखा हुआ मिर्च, पंचफुरन, थोड़ा सा जीरा, और हमने मीठी चटनी बनाने के लिए हमने गुड़ का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो गुड़ की जगह चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ देने से थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। आप गुड़ ट्राई जरूर करें। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए हमने नेचर फ्रेश का एक्टिव वाटर का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ये जो टमाटर चटनी हमने चूल्हे में रखा हुआ है वो उबल रहा है। ये पहले हमने इसको थोड़ा सा तेल दे के जो इंग्रेडिएंट्स था उसको फ्राई किया, और टमाटर को काट के उसको थोड़ा सा उबाल दे, और उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक दे के उसको उबाल दिया, और इसे हम गुड़ का क्रश करके हमने उसको डाल के उसको उबाल दें। चटनी आप देख सकते हैं इसके कलर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आने आ रहा है। तब तक हम जो तो उबाल आ रहे हैं, तब हम प्याज को इस तरह से कट कर लें, छोटा छोटा प्याज कटिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। छोटा छोटा सेब हम क्यूब का स्टेप दे देंगे तो हमको अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा हम लोग लहसुन लिए हैं, 4 से 5 लहसुन लिए हैं, और लहसुन को हम क्या करेंगे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, इससे थोड़ा सा लहसुन का खुशबू आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 2 कप आटा ले लेंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच गाय का दूध ले लेंगे, जिससे थोड़ा सा सॉफ्टनेस हो जाएगा हमारा। और जैसा हम लोग आटा गूंदते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी दिला के उसको आटा गूंदेंगे और उसको डो बनाएंगे। जैसे कि हमारे डो बन गए, और थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनाया, जिससे क्या पराठा सॉफ्टनेस हो गया। अब जैसे कितना सॉफ्ट हुआ है, अब इसको हम क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे थोड़ा सा हमारा डो और थोड़ा सॉफ्टनेस हो जाएगा। क्या हमने ढक के रख दिया, आप देख सकते हैं हमारा जो मीठी चटनी हमने बैठा हुआ था, मीठी चटनी कलरफुल और कितना अच्छे देखने को मिलेगा, और ये हमारा टमाटर चटनी तैयार हो गई। हम इसको पैक कर लेंगे। अब हमारा उबाला आलू को क्या करेंगे, कद्दूकस से उसको कद्दूकस कर देंगे, और अभी एक कढ़ाई गर्म करके उसमें थोड़ा सा तेल डाल के जब गर्म हो जाए थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच जीरा पाउडर, अपना तेल, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा प्याज, जो काटा हुआ प्याज रखे थे उसको डाल देना है, और प्याज ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस तक हमें उसको भूनना है। और थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, जीरा थोड़ा सा, धनिया पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा करी पत्ता, करी मसाला। अब हमारा जो आलू कद्दूकस किया हुआ है उस आलू को डाल के हम उसको अच्छे से चला के मिक्स कर लें, और उसको हमारा मसाला रेडी कर लें। अब देखें हमारा मसाला रेडी हो गया। ओके, अब हमारा जो आटा गूंदा हुआ है उसको हमारा छोटा छोटा बॉल के शेप में गोल कर लें, हाथों के द्वारा इस तरह से रोल कर लें,
गोल कर ले अच्छी तरह से। अब इसको हमको उसको कटोरे की शेप में करना है। हमको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल का अप्लाई भी कर सकते हैं। इस तरह से हम ऑयल उंगली में लेके उसको इस तरह से कटोरा का शेप दे सकते हैं। देखिए किस तरह से आप शेप कर सकते हैं। अब ये हमारा कटोरा बन गया। अब हम इसमें आलू का मसाला डाल के उसको अच्छे से इंसर्ट करके हम इसको बंद करेंगे। अच्छे तरह से इसको चारों तरफ से बंद करके उसको लॉक कर देंगे और उसको इसमें को पेस्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा, हमारा आलू का मसाला बाहर नहीं निकलेगा। हम इसको क्या करेंगे, आटे के साथ थोड़ा गूंथ लें तब तक हमारा तवा गर्म हो जाए। हम देख सकते हैं इस तरह रोटी की तरह इसको आकार दें और बेलन की सहायता से ये हमारा तवे गर्म हुए, ऊपर रोटी आ गया। अब देखिए हमने पलटी किया, इससे क्या होगा, इससे तेल का अप्लाई करेंगे। हम दूसरी तरह से भी थोड़ा सा तेल का अप्लाई करेंगे और ये हमारा पराठा जो है मीडियम फ्लेम में होना चाहिए। देखिए ये हमारा पराठा जो बन रहा है मीडियम फ्लेम में ही तैयार हो रहा है, जिससे आपका सुनहरा कलर भी आएगा और पराठा जो है थोड़ा सा अच्छे से सॉफ्टनेस भी बनेगा और रोटी की तरह फूलेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से फूल रहा है। देखिए हम पलटी करके भी दिखा रहे हैं आपको, आप देखें किस तरह से अच्छे तरह से फूल रहा है। इससे पता चलता है कि हमारा पराठा कितना सॉफ्टनेस और अच्छे तरह से बन रहा है और लगभग हमारा पराठा रेडी हो गया है। हम इसको बाहर निकाल लेंगे और हमारे पराठा रेडी हो गया। हम इसको एक सर्व करने के लिए एक प्लेट में टमाटर की चटनी, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और धनिया का पत्ता के साथ सर्व करेंगे। अब हमारा पराठा खाने के लिए रेडी हो गया है और मैं इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि पराठा किस तरह से बना और किस तरह से मैं पराठा को खाने जा रहा हूँ और ये टमाटर चटनी के साथ इसको डिप किया और मुँह में लिया। वाह कितने बहुत शानदार हुआ है और ये बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा सा प्याज भी खा के देखता हूँ। हाँ ये प्याज के साथ और इसका टेस्ट बढ़ जा रहा है। ये आलू का पराठा देख सकते हैं आप, मेरे दोनों उंगली से टूट रहा है, कितना सॉफ्ट बना है। और ये टमाटर चटनी के साथ बहुत मज़ेदार आ रहा है और प्याज उसका चार चांद भी लगा रहा है। अगर आप लोग घर में इसको बनाएं और ट्राई करें, अगर आपको अच्छा लगा होगा हमारी ये पराठा डिश, तो आप ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।